नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में माँ पार्वती की पूजा, या यूं कहें माँ अन्नपूर्णा की पूजा करके कैसे आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, उसके बारे में आपको आज इस खास वीडियो में बताने जा रही हूँ। क्योंकि आज माँ पार्वती की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, स्पेशली आपके घर के लिए। कैसे, चलिए इस पर आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे करनी है आपको पूजा और कैसे आज अपने माँ पार्वती को आप खुश कर सकती हैं। दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से आद्य शक्ति तो प्रसन्न होती ही है, साथ ही साथ भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों, मार्गशीर्ष या यूं कहें अघन मास की पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। माँ अन्नपूर्णा देवी पार्वती का ही एक अवतार है, जिन्होंने भक्तों के लिए अन्न प्रदान कर अकाल का नाश किया था। इस बार अघन पूर्णिमा और अन्नपूर्णा जयंती दोनों ही 8 दिसंबर 2022 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से आद्य शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। दोस्तों, इस बार इसका शुभ मुहूर्त जो है वो 2 दिन रहने वाला है। जी हाँ, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का आरंभ 7 दिसंबर 2022 सुबह 8:01 पर ही हो चुका है, लेकिन इसका समापन जो है वो 8 दिसंबर 2022 सुबह 9:37 पर होगा। यदि शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज पूरे दिन ही साध्य नामक शुभ योग बना हुआ है। सुबह 7:01 से 8:19 तक एवं दोपहर 4:06 से लेकर शाम के 5:24 तक शुभ का चौघड़िया लगा हुआ है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। दोपहर 12:12 से 2:48 तक कर्मशः लाभ एवं अमृत का चिघौड़िया रहेगा। शाम को यानी कि 5:24 से लेकर 7:06 तक अमृत का चौघड़िया रहेगा। राहु काल को टालकर इन सभी मुहूर्तों में माँ की पूजा की जा सकती है। अब जानते हैं कि आखिरकार माँ अन्नपूर्णा देवी की पूजा करनी कैसी है। तो दोस्तों, अन्नपूर्णा जयंती पर माँ की पूजा करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। इसके बाद साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर रसोई में जाना है। वहाँ पर चूल्हे की सफाई करें और पूरी रसोई में गंगा जल का छिड़काव करें। अब चूल्हे पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर चावल, फूल, धूप आदि ये सारी चीजें आप अर्पित करें। इस तरह पूजा करने के बाद उस चूल्हे पर खीर या कोई भी हलवा या कोई भी मीठी चीज घर में बनाएं और उसे घर के मंदिर में माँ पार्वती एवं भोलेनाथ की पूजा के साथ भोग लगाएं। साथ ही उन्हें पुष्प, माला, चंदन, तिलक, अक्षत इन सभी चीजों को अर्पित करें और पूजा के अंत में उन्हें रसोई में बनाई गई खीर या हलवे का भोग भी चढ़ाएं। अंत में अन्नपूर्णा स्रोत का पाठ कर प्रसाद सभी में बांट दें। ध्यान रखें कि घर में बनने वाले प्रसाद को गरीबों और भिखारियों में जरूर बांटें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह देवी अन्नपूर्णा की पूजा भी पूर्ण होती है और वो खुश भी बेहद होती है। कहा जाता है कि देवी अन्नपूर्णा की पूजा करने वाले भक्तों के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं, हमेशा उनके अन्न भंडार देवी देवता भर कर रखते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की हमारी ये खास वीडियो आपको आई होगी पसंद। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा दोस्तों।